Subscribe to Shemaroo Shorties and click the bell icon to never miss an update. आइए सुरेंद्र बाबू, ये देखिए सुंदरगढ़ से फिर बेनामी खत आया है। लिखा है आपने अपने पूज्य माता और मामा जी को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए सुंदरगढ़ वासियों के कल्याण के लिए हजारों रुपए भेजे हैं। बुरा मत मानिए, अगर सुंदरगढ़ और सुंदरगढ़ वासियों का भला करना ही आपका व्रत है तो आपसे मेरा एक निवेदन है, कम से कम एक बार आप सुंदरगढ़ आकर देख लीजिए। आपकी मेहनत की कमाई का जो हिस्सा आप यहाँ की उन्नति के लिए दान कर रहे हैं उसका सही उपयोग कितना हो रहा है। आपका शुभचिंतक। समझ में नहीं आ रहा ये चिट्ठी लिख कौन रहा है। मुझे तो लगता है सुंदरगढ़ में जरूर कोई सरजू भैया का दुश्मन है जो ये सब चिट्ठियां भेज रहा है। सुरेंद्र बाबू, आप जानते हैं आज जो कुछ भी मेरे पास है उसके पीछे माँ और मामा जी का आशीर्वाद है। मामा जी से दान ग्रहण करते वक्त मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जब भी दौलत कमाऊंगा तो सुंदरगढ़ और सुंदरगढ़ वासियों के लिए बहुत कुछ करूंगा। इस खत में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ओ शंभू दादा, आज बहुत देर कर दी, कब से राह देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी जाओ, हाथ मुंह धो, खाना तैयार। खाना वाना छोड़ो शंभू दादा, जल्दी से थोड़ा बहुत सामान बांध लो, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जाकर रहेंगे। हाय, इतने अरसे के बाद होश आया तो। पहाड़ वहाड़ पर नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं सुंदरगढ़। अरे तुम अचानक यहाँ खतना तार। सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। हाँ। और फिर ये भी सोचा कि सरजू भैया पे सारी जिम्मेदारी डालकर मैं बड़े आराम से दिन गुजार। हाँ, और अब तुम इस घर के मालिक भी हो। ऐसा क्यों सोच रहे हो सरजू भैया, तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तो हम दोनों का एक ही फर्ज है कि माँ और छोटे मामा की आखिरी ख्वाहिश को पूरा। वो तो हम अकेले ही पूरा कर रहे थे। ऊपर का कोने वाला कमरा अजय भैया के लिए ठीक कर दो। जिन आदमी का आप पीछा कर रहे थे कौन? स्मगलर्स। स्मगलर्स? आपको शायद मालूम नहीं, यह गांव बॉर्डर से बहुत करीब है और बहुत दिनों से चोरी छुपे अफीम, चरस और दूसरी नाजायज चीजों की करोड़ों की स्मगलिंग यहां हो रही है। हो सकता है वो लोग इधर उधर कहीं भाग गए होंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप चाहें तो घर की तलाशी ले सकते हैं। नहीं, खामखा सरजू बाबू के साथ दुश्मनी मोल लेने की क्या जरूरत। देखिए ना, सॉस है, इससे बहुत अच्छी मला बन जाएगी। माला किसके लिए बना रही हो? माँ के कुटुम्बा के लिए। नाना जी कहते हैं कि जब मेरी बनाई हुई माला माँ के गले में पड़ती है ना तो माँ के मुंह पर हंसी खिल उठे। ये नाना जी कौन है? नाना जी, नाना जी को आप नहीं जानते? आप शायद गांव में नए आए हैं। नाना जी माँ जगदम्बा के पुजारी, बहुत अच्छे। जननी जगत की शक्ति ओ माता, भक्तों के जीवन की भक्ति ओ माता। जननी जगत की शक्ति ओ माता, भक्तों के जीवन की भक्ति ओ माता। निस दिन तेरे गुण जो गाए, मांगे बिना सब वो पाए। ये मुसीबत यहाँ अचानक टपक कैसे पड़ी? ये तो हम भी सोच रहे हैं। कह रहा था शहर की जिंदगी से तंग आ गया इसलिए यहाँ चला। नहीं हुजूर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बात कुछ और ही है। खैर, तुम स्कूल के बिल्डिंग के हिसाब किताब की एक चोपड़ी तो बना डालो। चोपड़ी? अरे वो चोपड़ी क्या हाथ बनाऊंगा हुजूर, स्कूल बिल्डिंग के रुपए से तो एक ईंट तक नहीं खरीदी गई। सारा रुपया तो आपने उड़ा दिया। अब हिसाब किताब का मामला आएगा, आप तो भाई हैं, आप तो बच जाएंगे। मैं पकड़ा गया तो मेरी हजामत हो जाएगी। हमने तो सुना था स्कूल की बिल्डिंग का काम खत्म होने पाया है, लेकिन हालात जो हैं वो तो सामने ही है। आप तो समझ ही गए होंगे मैं बहुत ही गरीब हूँ। नमस्ते हुजूर, आप यहाँ पहुँच गए? और ये मोटे को देखो, नंगा घूम रहा आपके सामने, चलो निकलो। बात ये है सेकंड मास्टर जी, बात ये है कुछ नहीं, चलो निकलो, उठाओ सामान यहाँ से, उठाओ, कचरा भी समेटो। हुजूर आपने क्यों तकलीफ की, मुझसे कह रहे थे मैं खुद आपको ले जाता।
जाता? ले जाते से मेरा मतलब है आपकी कुछ समझ में फेर हो रहा है हुजूर। बात असल ये है कि स्कूल की जो नई बिल्डिंग बन रही है ना, वो ये नहीं है, वो तो कहीं और बन रही है। किसी दिन मौका मिलेगा ना तो मैं आपको खुद ले जाऊंगा। मैं उस मौके का इंतजार करूंगा। तुम एक काम करो, गाँव वालों के कान भरते रहो, ये आदमी बहुत ही बच्चा लगता है। जी हाँ, उसमें झूठ भी नहीं है। जब हम शहर गए थे तो हमने सुना है ये दो तीन लड़कियों के चक्कर में फंसा हुआ। दादा जी, मेरी थोड़ी मदद करोगे? कैसे? आओ चलो। अच्छा मैं चलती हूँ। शहर में मुझे दो तीन बार बेनाम चिट्ठी मिली। मैं यही समझता रहा कि कोई सरजू भैया का दुश्मन होगा, लेकिन आज पता चला वो एक महान आत्मा है। वो आप हैं। बहुत बुद्धिमान हो तुम। देखिए, मैं इस गांव की तरक्की के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर आप सब मेरा साथ दें तो मेरे काम में बहुत आसान हो सकता है। लेकिन हम आपका साथ कितना देंगे? मैं आप लोगों को समझा। आनंद, डॉक्टर साहब से मिलकर उनकी लिस्ट तैयार कर लेना। जी हाँ, ये रही ले। मास्टर जी, आपकी लिस्ट। जी ये है। ये सब लिस्ट अपने पास रखो। हाँ, और ये लेटर्स भी अपने पास रखा। इसमें से ये खत है ना, हाँ, सुरेंद्र बाबू के नाम है, इसमें सब कुछ लिख दिया, वो सब बंदोबस्त कर देंगे। बहुत अच्छा। जा जरा जाके देख कौन आया है। शहर से खूबसूरत बला आई है, और वो भी अकेली नहीं, उसके साथ उसकी बदसूरत माँ भी आई है। और उसी भैंस के मुँह से सुनकर आया हूँ कि उसकी बेटी की शादी उसके साथ होने वाली है। क्या बात है? एक भी मजदूर कंपनी आया है। अस्पताल में भी कोई? दो चार मजदूरों के घर गए थे हम लोग, वो कहता वो बीमार है। हाँ? और कोई मजदूर कहता है कि दूसरे गांव में काम पर जाना है। हम गांव की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो ये काम हम अपने हाथों से पूरा करेंगे। शाबाश। जय शंकर ने हमारे गांव के लड़कों को साथ लेकर जो कुछ किया है उसके लिए हम सबको अजय शंकर का आभारी होना चाहिए। हाँ, बोलो अजय भैया की। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाऊं। और तुम्हें छोड़ा शंभुदादा आया। शंभुदादा, मैं नीला को छोड़ने जा रहा हूँ, कल शाम तक लौटाऊंगा। तुम सामान वगैरह पैक करो। आराम। तू थोड़ी देर में वो कमबख्त शहरी छोकरी को छोड़ने शहर जा रहा है मोटर में। सरजू बाबू का हुक्म, मैं साधु खान को लेकर बीरपुर के जंगल में उसका इंतजार करूंगा। जैसे ही वहां मोटर पहुंचेगी मामला तब। देखो नीला, बारिश बहुत जोर से हो रही है, मत जाओ। अब तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नीला, आप भी गए? अच्छा हुआ। क्या बात है? मामा। और मैं सुन रहा हूँ। क्या बात है? क्या बात है, बोलो ना। खार, ये तो नीला मुसीबत में पड़ जाएगी। आओ मेरे साथ। ये क्या दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो। कौन है तुम लोग? कौन हो? अरे ये तो अकेली है। इसे ही ले चलो। चल चल उतर। अरे क्या बात है, क्या चाहिए तुम लोगों को? ये शहर नहीं है सरजू बाबू, ये गांव है। और आपका भाई मास्टर जी के भांजी को यहाँ लेकर आया है, और वो इसी मकान में है। अजय भैया, हम भी ये जानना चाहते हैं कि माला यहाँ क्यों आई। मैं मजबूर हूँ, ये मैं नहीं बता सकता।
तो हम भी मजदूर हैं, हम आपका साथ नहीं दे सकते। ठीक है, तुम लोग भी जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं। सुना नहीं, जाइए आप सब लोग, जाइए यहाँ से। चलो जाओ जाओ भाई जाओ। मास्टर के घर क्यों गया था? बहुत शौक है तुझे शादी का है? जमीने हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे। बोल कौन सा तीर मार के आया है, कहाँ है वो? रही चोर कोठरी में बंद है। बाबा, वो सरजू बाबू गांव वालों को लेकर मंदिर की तरफ आ रहे हैं। क्यों? वो लोग माला को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। दीदी तू जा अंदर जाकर माँ के पास बैठ, झंडा नहीं माँ तेरी रक्षा करेगी। चल दरवाजा खोलो पुरोहित। दरवाजा खोल दे शिवा। तुम देवी के पुजारी हो इसलिए आज तक तुम्हें छूट दे रहे, लेकिन अब तुम्हारी हरकतें बहुत आ गई। नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ इस मंदिर में कोई नहीं जाता। रुक क्यों गए, हटा दो इसे, पकड़ लो। नहीं नहीं, रुक क्यों गए कमीनो? हिम्मत हो तो आगे बढ़ और पहले के पहले आगे। ये सब क्या बतानी चाहिए तुम? सारे गांव के सामने अपने पति को जब जरूरत पड़ी, स्वयं देवी ने अपने पति के छाती पर पैर रखे, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने पति को भी करा दूंगी। तुम लोग अगर ऐसा करोगे तो इंसान और जानवर में क्या भेद रहेगा, जाने दो इन्हें। एक दिन आप ही के इशारे पर इस गांव में आया था, आज जाने से पहले आपकी इजाजत चाहता। और तुम्हारे कारण आज एक अभागन के माथे पर इतना बड़ा कलंक लगा, उसके बारे में तुमने क्या सोचा? इसलिए तो यहाँ आया हूँ। ये कभी नहीं होगा। जाने से पहले एक मामूली लड़की का हाथ पकड़कर ये साबित करके जाना चाहते हैं कि इनकी वो भावना एक ढोंग थी, झूठ थी, और ये चाहती इनके झूठ में मैं साथ दूं? कभी नहीं। अगर ये जाना चाहते तो अकेले जाएं। आज इस बुराई के सामने अच्छाई की हार हुई है, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। अरे मेरी जान क्यों ना चली जाए। अजय भैया, हम आपको अपना बड़ा भाई समझते हैं, और आपने इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपाई। तुम सब मुझे अपना बड़ा भाई कहते हो। हाँ भैया, और अगर तुम्हें पता चले तुम्हारा बड़ा भाई तुम लोगों का खून करना चाहता है तो तुम सौ वालों को चीख चीख कर कहते फिरोगे? हमें माफ कर दीजिए अजय भैया। एक बात कहते हैं, अब कोई अच्छा काम करने से पहले हमें यहाँ की बुराई को खत्म करना पड़ेगा। अर्जुन भैया, मैंने तय कर लिया है, इस घर को डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। क्या? कल सुबह एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर मैं एक अस्पताल बनवा रहा हूँ। क्या बात है शंभू दादा? बहुत दिनों से तुम परेशान थे कि चोर पोटरे कहाँ है। इतने नीच हो तुम सरजू भैया। जिस जमीन पर तुम्हारे बाप दौलत से मैं नेक काम करना चाहता था उसी में तुम रुकावट बनते रहे। एक गंदी हरकत तुम्हारी थी, तुम कमीने हो गद्दार। क्या कागजात देख रहे हो? तुम्हें सिर्फ इस पर दस्तखत करना है। कैसे कागजात? यही जो हमारे खानदान से तुम्हें भीख मिली है, सब कुछ तुम हमें बेचकर ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। तुम जैसे कमीने के सामने सर झुकाने से मौत ज्यादा बेहतर है। हुजूर, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। Ha!
अजय, ये देखो क्या है। लीना, मरना तो है ही। अजय, जिस रास्ते से पानी आ रहा है उसी रास्ते से चलना चाहिए हमें। सरजू बाबू, हमारे आदमी पुलिस का मुकाबला नहीं कर पा रहे और हमारे पास गोलियां भी खत्म हो गई। उसकी बोट को बर्दाश्त कर। सरजू भैया, बर्दाश्त से तो तुम बाहर जा चुके हो, फिर भी हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा।